हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। भरवा सब्जियां किसे नहीं पसंद होती। भरवा का नाम लेते ही सबके मुंह में पानी आ जाता है, चाहे वो भिंडी हो, चाहे वो बैंगन हो, या फिर शिमला मिर्च हो। आज मैं आप लोगों के लिए भरवा शिमला मिर्च की रेसिपी लेके आई हूँ। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बनाते हैं स्टफ कैप्सिकम भरवा शिमला मिर्च, जिसके लिए मैंने 3 शिमला मिर्च लिया है, जिसको मैंने स्टेम निकाल के अंदर से साफ कर लिया है। और 1 कप बेसन, 1 बारीक कटी हुई प्याज, 8 से 10 लहसुन की कलियां बारीक कटी हुई, और ये शिमला मिर्च के अंदर का पार्ट है जो मैंने सीड निकाल कर बारीक काट लिया है, और ये ऑयल और कुछ मसाले लिए हैं। 1 छोटा चम्मच जीरा, आधी छोटी चम्मच हल्दी, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च, 1.5 छोटा चम्मच धनिया पाउडर और 0.5 छोटा चम्मच मैंगो पाउडर और नमक स्वाद अनुसार मैंने लिया है। चलिए बनाते हैं इसके स्टफिंग। इसके लिए मैंने एक बाउल लिया है। बाउल में ये सारे इंग्रेडिएंट्स हम मिक्स करेंगे। बेसन, प्याज, गार्लिक, शिमला मिर्च का पार्ट, सारे मसाले, ऑयल। ऑयल ऑप्शनल है, अगर आपकी मर्जी हो तो आप ऐड करिएगा, नहीं तो नहीं करेंगे तो भी चलेगा। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दो तीन मिनट मिक्स करने के बाद ये हमारी स्टफिंग रेडी है। अब इसको हम शिमला मिर्च में भरेंगे। आप स्पून के सहायता से इसके अंदर ये स्टफिंग इस तरह से भरिए पूरा ऊपर तक। अगर शिमला मिर्च भरने के बाद आपकी स्टफिंग बच जाती है तो आप उसको नेक्स्ट टाइम यूज करने के लिए फ्रिज में एयर टाइट डब्बे में बंद करके रख सकते हैं। ये हमने शिमला मिर्च को पूरा भर लिया है। ये मेरी शिमला मिर्च रेडी हो गई है। अब मैं इसको कढ़ाई में ऑयल डालकर फ्राई करूंगी, और ये मेरी स्टफिंग बच गई है जिसको मैं उसी ऑयल में लास्ट में फ्राई कर लूंगी। ये ऐसे भी खाने में बहुत टेस्टी लगती है। मैंने कढ़ाई में तेल गरम कर लिया है। मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया है। आपके घर में जो ऑयल खाते हो आप वो यूज कर सकते हैं। 2 से 3 बड़े चम्मच मैंने तेल लिया है। अब ये शिमला मिर्च को मैं इसके अंदर डालूंगी। आप धीरे धीरे ये तीनों शिमला मिर्च इसमें रख दीजिए, और रखने के बाद इसको ढक दीजिए क्योंकि ये उड़ेगा। अब हर 2-3 मिनट से हमको इसको पलट पलट के फ्राई करना है। इस तरह आप इसको ढक दीजिए। ये देखिए, शिमला मिर्च को मैंने हर साइड से एक दो मिनट पे पलट पलट के फ्राई कर लिया, और ये कितनी अच्छी तरह फ्राई हो चुका है और बहुत अच्छी तरह पक चुका है। इस तरह आप हर साइड से इसको फ्राई कर लीजिए। ये देखिए, बिल्कुल अच्छी तरह फ्राई हो चुका है, और ये देखने में भी कितना यम्मी लग रहा है। इसको देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। ये शिमला मिर्च को मैंने इस प्लेट में खाली कर लिया, और ये जो ऑयल बचा है मैं इसमें ही मेरी बची हुई स्टफिंग को फ्राई कर लूंगी, जो कि इसके साथ ऐसे ही खाने में अच्छी लगती है। आप इसको पराठे के साथ भी खा सकते हैं या दाल चावल में मिक्स करके भी खा सकते हैं। इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसको 1 से 2 मिनट के लिए मैं इसमें फ्राई कर लूंगी। इस तरह हिलाते हुए इसको फ्राई करेंगे। अब इसको ढक देंगे।
ये मेरी स्टफिंग भी फ्राई हो चुकी है और मैंने गैस बंद कर दिया है। अब इस स्टफिंग को भी आप अपने पराठे के साथ खा सकते हैं, आप इसको भी शिमला मिर्च के साथ एंजॉय कर सकते हैं। ये स्टफ्ड कैप्सिकम बिल्कुल तैयार है, आप इसको पराठे के साथ, दाल चावल के साथ एंजॉय कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।